नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीसीसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे हमारा जो सिस्टम होता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, उन सबको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पता क्या था कि हार्डवेयर होता क्या एक्चुअल में। अब हम लोग जानेंगे हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करते हैं, जो पोर्ट्स होता है, जो कनेक्टर होता है, ये सब क्या होता है और कैसे एक दूसरे से इन सबको हम कनेक्ट करेंगे जिससे हम अपना सिस्टम ऑपरेट कर सकें। सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि हमारे सीपीयू में जो बैक पैनल मीन्स कि जो सीपीयू का पीछे का हिस्सा होता है, उस हिस्से में ये जो पोर्ट्स बने हुए होते हैं जिनको जहाँ पे हम प्लग इन करते हैं, ये सब क्या होता है, इनके नाम क्या क्या है, कौन सा किस यूज़ के लिए। सबसे पहले हम सीपीयू से इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद में हम लोग कनेक्टर्स की बात करेंगे, देन बात करेंगे कौन सा कनेक्टर किस कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका सीपीयू, सीपीयू का बैक पैनल। बैक पैनल का इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको बता दूँ, कुछ पोर्ट्स हमारे हमें सीपीयू के फ्रंट पैनल पे भी मिल जाते हैं, तो मोस्टली हमारा बैक पैनल में होता है, इसलिए हम इसी से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पावर कनेक्टर की। पावर कनेक्टर का इस्तेमाल होता है हमारे सीपीयू को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में, मीन्स कि हमारे सीपीयू को हम कनेक्ट करते हैं जिससे कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, वो उसमें पावर सप्लाई हो सके जिससे कि वो काम कर सके। इसके बाद में इसके बगल में एक स्विच होता है, हमारा जो ये स्विच है, ये ऑब्वियस सी बात है, स्विच है तो ऑन ऑफ के यूज़ में होने वाला है। इससे हमारा सीपीयू कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद में कूलिंग फैन जो हमारा प्रोसेसर होता है, मैंने आपको हार्डवेयर के टाइम पर बताया था कि हमारा जो कूलिंग फैन है ये हीट करने जब हमारा प्रोसेसर हीट करने लगता है, उस वक्त जो है उस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये नीचे हमारा सीपीयू कूलिंग फैन जो यहाँ पर लगा हुआ होता है, आप इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पीएस टू पोर्ट हमारा पहले इस्तेमाल हुआ करता था कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए, हालांकि मिलता ये सीपीयू में अभी भी ऑप्शन है। इसके अलावा अब हमारा जो पीएसटी पोर्ट में कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट होते थे, तो इन सबको अब हम लोग जो है यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो कीबोर्ड है, माउस है, या हमारा जो प्रिंटर है, जो भी हमारे कंपोनेंट है, वो बेसिकली यूएसबी पोर्ट में ज़्यादातर आने लगे। इसके बाद में आ गया हमारा पैरेलल पोर्ट हमारा जो है पहले इस्तेमाल हुआ करता था प्रिंटर के लिए, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जो प्रिंटर सुन के पहले वाले होंगे। इसके अलावा जो मॉडर्न प्रिंटर आ गए उसमें हमारा यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल होने लगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वीजीए पोर्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मॉनिटर्स के लिए अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मोस्टली इसमें जो है वीजीए पोर्ट ही हमें मिलता है। फिर हमारे पास कुछ और भी अदर यूएसबी पोर्ट ऑप्शन होंगे जिससे हम अपनी कुछ दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा स्पीकर होता है। इसके अलावा ईथरनेट पोर्ट की अगर हम बात करें, तो ये हमारा वो जो हमारे ब्रॉडबैंड के जो केबल्स होते हैं, मीन्स हमारे जो लैंड वैन नेटवर्क्स होते हैं, इन सब के जो कनेक्टर्स होते हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है हमारा ऑडियो जैक हमारा हमारी इनपुट एंड आउटपुट वॉइस के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे जो कनेक्टर्स ऑडियो पिन या फिर हमारे जो वीडियो पिन के होते हैं, इन सब के ऑडियो इनपुट या फिर ऑडियो आउटपुट के होते हैं, उन सबको कनेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सपेंशन कार्ड का। एक्सपेंशन कार्ड या एक्सपेंशन स्लॉट जो है वो हमारे पास कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर हमें बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है सीपीयू के साथ में, तो हम उसको कनेक्ट कर सके, या दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करना है, दूसरे मॉनिटर को कनेक्ट करना है, तो इन सबको हम इस स्लॉट्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए हमें अदर से किसी एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत नहीं होने वाली। ओके, तो ये था हमारा सीपीयू का बैक पैनल, ये था हमारा सीपीयू के पोर्ट्स एंड इसके जो भी कनेक्टर्स के इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा मॉनिटर कैसे कनेक्ट करना है हमें। तो मॉनिटर को कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि मॉनिटर के कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो पोर्ट का ऑप्शन होता है वो होता कहाँ है। सीपीयू में तो आपने देख लिया, मॉनिटर में ये पोर्ट आप देख सकते हैं इस इमेज में, हमारा यहाँ पर ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर अपने केबल को कनेक्ट करते हैं। तो हमारे जो मॉनिटर है इसमें हमारा बेसिकली हमें वीजीए पोर्ट मिलता है, वीजीए पोर्ट को हम इसमें हमारा जो वीजीए कनेक्टर होता है इसको कनेक्ट करते हैं। वीजीए के बाद में जो हमारा इसमें मॉडर्न आने लगा है मॉनिटर, इसमें हमारे पास एचडीएमआई कनेक्टर्स या एचडीएमआई पोर्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके बाद में अगर कुछ अदर ऑप्शन की बात करें, तो इसमें हमारे पास डीवीआई या डिस्प्ले पोर्ट, ये सब अदर हमारे पोर्ट और कनेक्टर्स
सीपीयू के भी मिलते हैं मार्केट में। तो इन सभी पोर्ट्स को और उसके बगल की इमेज में आप देख सकते हैं उन सभी पोर्ट के कनेक्टर को, कैसे ये दिखने में होते हैं, ओके, किस तरीके से हमारे सीपीयू में कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से ये हमारा मॉनिटर में कनेक्ट होते हैं। जब सबसे पहले हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, फिर बात आती है कि हम कैसे अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम कीबोर्ड के बारे में देखेंगे। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था, PS2 पोर्ट हमारा जो है ये कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। और इसमें जो पर्पल है ये साइन होता था या ये पहचान होती थी कि ये हमारा कीबोर्ड के लिए है। तो जो हमारा ये पोर्ट है ये पहले यूज इस्तेमाल हुआ करता था। अब हमारा जो USB आता है बहुत ही इजी कनेक्ट होता है कनेक्ट करने के लिए। तो इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं अपने CPU के USB पोर्ट में लगाने के लिए। इसके अलावा जो इसको हम पिन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में भी, क्योंकि हमारा जो ये USB पोर्ट होता है ये ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो इसको हम अपने लैपटॉप पे भी ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसके अलावा इसका पोर्ट आप देख सकते हैं इस दूसरी इमेज में। इस तरह से हमारा ये कनेक्टर्स होता है हमारे कीबोर्ड का जो पहले हुआ करता था। अब हमारा जो कनेक्टर वो कुछ ऐसा दिखता है जिसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सेम तरीके से हम इसको यहाँ के इस USB पोर्ट में अपने CPU से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा कीबोर्ड हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। अब जब हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया तो नेक्स्ट हमारी बारी आती है कि हम अपने माउस को कैसे हमारे सिस्टम से कनेक्ट करें। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि माउस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था फिर से कि हमारा जो ये पोर्ट होता है ये पहले यूज़ हुआ करता था माउस को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें से पर जो हमारा ग्रीन है ये सिंबल हुआ करता था कि ये हमारा माउस के लिए कनेक्टर्स है। और वैसा ही हमें कनेक्टर मिलता था, वैसा ही हमें ग्रीन कलर का पोर्ट मिला करता था। अब लेकिन हमारा ये USB में आने लगा। इस तरह से कुछ इस तरीके से हम उसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ CPU के इस USB पोर्ट में, या फिर इसी जैसे हमारा लैपटॉप कनेक्ट होता है सेम वैसे हम उसको अपने जैसे हमारा कीबोर्ड हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होता है, वैसे ही बिल्कुल हम अपने माउस को भी अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारे माउस को कनेक्ट करने का। इसके अलावा माउस हमारा वायरलेस भी होता है, तो वायरलेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अब USB पोर्ट हमारा जो मिलने लगा है, इसकी वजह से बहुत ही ईजी है इसे कनेक्ट करना। एक कनेक्टर हमारा हमारे प्रिंटर में उसके USB पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे, एक कनेक्टर हमारा जो है हमारे CPU के USB पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे, और बहुत ही ईजिली हमारा प्रिंटर भी हमारे सिस्टम से अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मॉनिटर, देन कीबोर्ड, देन माउस, और उसके बाद में अगर हमें यूज़ करना है तो हम हमारा प्रिंटर कनेक्ट करते हैं। अब जब हमने अपने सिस्टम को कनेक्ट करना सीख लिया है तो हमें कुछ एडिशनल कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल में जैसे हम बात कर लें हमारे फ़ोन को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करने की, तो इसके लिए बहुत ही इजी सा तरीका है। जिसे नहीं पता है होता है वो सोचता रहता है हम कैसे कनेक्ट करें कैसे कनेक्ट करें, लेकिन अगर आप अब आप इस वीडियो को जब एंड तक देखने आ गए हैं तो ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है कि आप अपना फ़ोन कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक केबल कनेक्टर होगा जो कि हो सकता हम कोई भी एडिशनल हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कनेक्टर्स को हम अपने फ़ोन से, देन उसका जो USB पोर्ट होगा उस पोर्ट को हम अपने लैपटॉप से या अपने CPU से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कनेक्ट करके फिर हमें ऑप्शन मिलेगा, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहला ऑप्शन जब हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है चार्जिंग द डिवाइस वी USB, मीन्स कि जो हमारी ये डिवाइस ये हमारी USB के थ्रू जो चार्ज हो रही है। तो अगर आपको चार्ज करना है तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चार्ज नहीं अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप जो है कनेक्ट कर सकते हो फाइल ट्रांसफ़र के लिए, USB थ्रेडिंग के लिए, इसके अलावा MIDI पे PTP या नो डेटा ट्रांसफ़र ओनली चार्जिंग दिस डिवाइस। इसके अलावा कुछ फ़ोन में हमारे ऐसे ऑप्शन से मिलते हैं जिसमें हम डायरेक्टली फाइल्स पे या फिर फोटोज़ पे क्लिक करते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है कि उसको क्या प्रोसेस करना है उसके लिए। इस तरीके से हम अपना फ़ोन हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम चाहे तो अपना फ़ोन चार्ज करें या चाहे तो अपना डेटा ट्रांसफ़र करें अपने सिस्टम में या फिर सिस्टम से वापस अपने फ़ोन में। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
सीपीयू पोर्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमें पता होना जरूरी है कि हमारे सीपीयू में जो पोर्ट्स है उसमें से कौन सा पोर्ट किस यूज के लिए। देन हमारा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में अगर हमें वीजीए पोर्ट दिया गया है तो उसको हम वीजीए पोर्ट से कनेक्ट करा देंगे। इस तरीके से जब हमारा मॉनिटर कनेक्ट हो जाता है तब अपने कीबोर्ड को अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। उस यूएसबी पोर्ट में हमारा यूएसबी कनेक्टर हमारे कीबोर्ड का दिया हुआ होता है, उसको उसमें कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर उसी कीबोर्ड को हमें अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करना है तो हमारे लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट दिया हुआ होता है, हम उससे हमारा लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी, बस उसको उसमें पिन कर देना है। देन इसके बाद में हम अपना जो है माउस कनेक्ट करते हैं, तो माउस को कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास यूएसबी दिया होता है। यूएसबी पोर्ट को हम अपने सीपीयू के यूएसबी कनेक्टर्स को हम अपने सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, या फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो उसके यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। जब हम अपना माउस कनेक्ट कर चुके हैं देन एडिशनल हमारे पास डिवाइसेस में हमारा हो गया प्रिंटर, प्रिंटर को कनेक्ट करना है। तो इसी तरीके से सेम एक यूएसबी हमारा जो है हमारे कनेक्टर हमारा प्रिंटर में कनेक्ट होगा, एक यूएसबी पोर्ट हमारा जो है हमारे सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम अपना फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन में अपना जो केबल है या अपना जो कनेक्टर है लगाने के बाद में जो यूएसबी कनेक्टर्स होता है उसका, उसको हम हमारे लैपटॉप में या हम हमारे सीपीयू में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा, हम चाहे तो अपना फ़ोन चार्ज करें या फिर अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हमको बस ऑप्शन पे अपने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके के आपके स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा अपना ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने फाइल्स पे कर देते तो आप पूरी पूरी फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ अपनी डिवाइस को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने हार्डवेयर एंड अपने कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं देन उसको ऑपरेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।